ओले पड़ रही है ऊपर से ना। ये देखो भाई कितने बचे गए हैं ना। बिल्कुल ट्रक गाड़ी बचने का थोड़ा सा ही रास्ता है। सामने का भाई व्यू देखो कितना ही जबरदस्त लग रहा है। हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जर्नी विद बॉबी। तो भाई कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ, आप भी अच्छे रहना। आज डेट है 4 जून और टाइम हुआ है भाई 7:28। काफ़ी टाइम से यार आपको जैसे कि बताया था मैंने लास्ट वीडियो में कि काफ़ी टाइम से इधर उधर कहीं नहीं गए हो। तो आज का जो प्लान बन रहा है भाई, एक्चुअली क्या है कि ऑफिस की छुट्टियाँ है, समर ब्रेक है। तो अब मैं ये सोच रहा हूँ कि क्यों ना घूम लिया जाए और व्लॉग्स बना लिए जाए, क्योंकि यार काफ़ी टाइम हो चुका है और काफ़ी लोग बोल भी रहे हैं जो मेरे फ्रेंड्स वगैरह है कि भाई वीडियो क्यों नहीं आ रही है, क्या बात है। मैं क्या ठीक है भाई बनाते हैं। भाई मेरे जो गैजेट्स है लाइक ड्रोन, ये Insta360 और जिससे मैं व्लॉग करता हूँ मोबाइल, सब रेडी है, सब कंप्लीट है। तो अब वीडियो में भाई और भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो भाई वीडियो को मिस मत करना, देखना ज़रूर सारी वीडियो को जो जो भी अब आने वाली है। और मैं आपको दिखाता हूँ मैंने जो न्यू एक्शन कैमरा लिया है जिससे भाई अब मोटो व्लॉगिंग होगी। तो भाई ये है मेरा न्यू कैमरा, माइक वगैरह सब फिट किया हुआ है मैंने इस पे, ऑन ऑफ वगैरह सब यहीं से होता है। इसका रिव्यू मैं आपको आराम से दूंगा बाद में। तो यार जैसे कि आपको पता ही है मेरे चैनल पे मैं गाड़ी से भी ट्रिप करता हूँ और बाइक से भी ट्रिप करता हूँ, तो दोनों से ही वीडियोस आती है ना। जो भी मेरे फॉलोअर्स हैं, जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, प्लीज़ वीडियो को देखना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। तो यार जल्दी से जल्दी 1K तो करवाना ही बनता है ना। तो ठीक है यार, जैसे भी कोई भी अपडेट होगा मैं आपको दूंगा। तो ठीक है यार, ब्रेकफास्ट करते हैं और सीधा बाइक पे मिलता है। तो गाइज अपना पराठा जो है रेडी है, मम्मी एक ही खाऊंगा बस, ज़्यादा नहीं यार, ट्रैवल करना है। तो भाई ठीक है, चलो निकलते हैं यहाँ से, ब्रेकफास्ट करके मिलते हैं सीधा बाइक पे। घर नहीं जाना, घर नहीं जाना, घर नहीं जाना, जल्दी आऊँगा मैं। नो, बाय 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 बाय, हेलमेट लगाऊंगा, लो हेलमेट दे दो। तो भाई अपना रेडी हो चुके, अब चलते हैं। ताशु तो गाइस फाइनली जो भाई निकल चुके हैं यार, आज काफ़ी एक्साइटेड हो रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम बाद जा रहा हूँ भाई घूमने फिरने। और यार वेदर ना काफ़ी ख़राब हो रहा है वैसे आज का, अब बारिश हो रही है, मतलब हो रही थी, अभी नहीं हो रही है, फुल कर दो। तो यार पेट्रोल जो है अभी डलवा रहा हूँ यहाँ से, फुल करवा लूँगा, उसके बाद देखते हैं कितना चलेगी भाई। रोड की तक तो आराम से पहुँचेगी। अभी मोदी नगर पहुँच चुका हूँ और ट्रैफिक भाई तगड़े वाला हो रहा है। तो ऐसा संडे आज कम भीड़ होगी, ट्रैफिक नहीं होगा, निकल जाएगी आराम से। बट यहाँ पे तो ना मोदी नगर भाई जाना ही जाता जाम के लिए है। जिसे भी कहो ना भाई मोदी नगर जाना है या फिर मोदी नगर जाके आना है, तो बंदा भाई बोलता है कि भाई शाम को ही आओगे। तो ये मोदी नगर काफ़ी फेमस है पहले से ही ट्रैफिक के लिए। और भाई ऊपर देखो मेट्रो लाइन बन रही है, मतलब लगभग कंप्लीट हो गया, काफ़ी दूर तक, मतलब मेरे तक ही हो गया। इसका ट्रायल चल रहा है, मैंने देखा था एक दो वीडियो में, ट्रायल चल रहा है। तो सही है, दिल्ली से मेरठ की कनेक्टिविटी काफ़ी इजी हो जाएगी लोगों के लिए, अच्छी बात है। क्योंकि ऐसे बस में ट्रैफिक में खड़े रहोगे कोई फ़ायदा नहीं है भाई, टाइम की लग जाती है कभी में। ओ भाई निकल जा, एक भाई एक्सीडेंट हुआ है, गाड़ी पलटी हुई पड़ी है उस साइड में, ये देखो। मैं सीधा आपको रुड़की दिखाता हूँ, आशीष के घर पे मिलता हूँ, ठीक है? तो वीडियो को देखते रहना यार, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करो। आशीष जो है आ गया है हमें लेने, तो है लड़का कहाँ चला गया? आजा। हेलो गाइस, तो यार
एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी मेरे साथ, जो मैंने माइक लगाया था, माइक सेटअप किया था हेलमेट पे, वो सब बेकार हो गया। जितनी भी मैंने वीडियो बनाई थी सब नॉइजी, सब में ट्रैफिक का शोर, मेरी कहीं कहीं थोड़ी थोड़ी आवाज़ आ रही है। तो भाई मैंने क्या किया, जब मैं रुड़की आया, कल मैं रुड़की आया था 12 बजे, आज है डेट 5 जून, टाइम हुआ है सुबह के 3:21। तो जब मैं 12 बजे रुड़की आया था, तो यार आते ही पहले तो मैंने बाइक दी, और बाइक में मुझे टाइम लग गया करीबन 6:30। तो बाइक जब मेरी शाम को हो गई थी, उसके बाद भाई मैंने माइक ख़रीदा, उसके बाद वो पुराने वाला माइक हटाया, इसको चेक किया। चेक करने के बाद सब कुछ अपना जो फिर ये फाइनल ये वाला सेटअप जो है पूरा रेडी कर दिया था। तो इसके बाद यार थक गया था काफ़ी, और खाना पीना करके फिर मैं जो है सो गया था थोड़ी देर, एडिटिंग करना सोचा, लेकिन यार उसके बाद ऐसा हुआ कि एडिटिंग करने का भी मन नहीं किया। तो बस क्या है कि निकलना तो यार अपने को बहुत जल्दी था, 2 बजे के आसपास, 3:30 बज चुके हैं, तो हम निकल रहे हैं। तो भी इसी ब्लॉग में कंटिन्यू करूँगा इस वीडियो को, इस ट्रिप पे जो है मैं और आसी जा रहे हैं। तो यार सामान वगैरह सब, भाई का हेलमेट ये रहा, मेरा हेलमेट ये रहा, जैकेट वगैरह ये रही, बाकी बाइक जो है नीचे रेडी खड़ी है, अपना सामान वगैरह जो भी है पूरा पैक कर लिया है। तो ठीक है, अभी आपको रास्ते में अपडेट देता हूँ कि हम कहाँ जाने वाले हैं। ठीक है, तो ठीक है, देखते रहना वीडियो यार, यही अपडेट था, मिलते हैं फिर वीडियो में। तो गाइस घर से यार निकल चुके हैं, और अभी है हम रुड़की के अंदर ही भाई के घर के पास। तो यार फाइनली जो है ट्रिप स्टार्ट होने जा रहा है, और निकल चुके हैं, भाई आगे जा रहा है आशीष। तो सीन कुछ ऐसा है अभी का कि पेट्रोल डलवाना है अभी, वैसे टंकी मेरी आधी है, और 3:38 हो चुकी है। ठीक है, पेट्रोल डलवाने के बाद उसके बाद जो अपना पहला रूट होगा वो होगा यार ये वाला देहरादून टू अम्बाला वाला रूट जो है। ठीक है, यहाँ से अम्बाला जाएंगे, अम्बाला के बाद फिर मैं आपको दोबारा अपडेट दूंगा। ठीक है, तो वीडियो को देखते रहना, जैसा भी होगा, जो चीज़ भी आपको अच्छी लगे यार प्लीज़ कमेंट करना, बताना कैसी लगी है ना। माइक जो है ना यार इस बार पूरा फेस पे ही सेट कर लिया है इस बार वैसे तो, बाकी यार देखते हैं क्या ही रिकॉर्ड होगा, अच्छा होगा बुरा होगा, क्योंकि रात वैसे चेक कर लिया था मैंने, लेकिन यार माइक वगैरह ना कुछ भरोसा नहीं होता, कभी भी ख़राब हो जाता है ये। तो यहाँ से पेट्रोल ले रहे हैं, देखते हैं कितना पेट्रोल आएगा अभी। वैसे तो हाफ जो टैंक है मेरा, हाफ टैंक है इसमें ना, निकल जाएगा जितना भी आएगा, अभी देखते हैं। अब देखते हैं भाई कहाँ तक चलेगी अपनी बाइक, लेट तो हो गए यार काफ़ी, अब थोड़ा सा कवर करेंगे रास्ता आगे, और भगवान का नाम लेके चलते हैं। चलो भाई, भगवान अच्छा ट्रिप कराए अपना। तो गाइस ये है देहरादून टू अम्बाला वाला जो हाईवे है, ये काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है, और भाई इससे ना काफ़ी टाइम अपना कम होने वाला है, क्योंकि पहले काफ़ी टाइम लगता था, लेकिन ये वाला जो है ना एक तरह का शॉर्टकट ही मान लो आप, तो काफ़ी रास्ता कवर कर देगा ये। कि रात को अपना खाना पीना खा के थोड़ा आराम कर लिया था, थोड़ा नींद ले ली थी, क्योंकि यार कल पूरा दिन ना बड़ा थका देने वाला रहा है, और क्योंकि दिल्ली से आया हूँ मैं रुड़की के बाद, फिर बाइक वगैरह दिया, उसके बाद लैपटॉप पे रात को एडिटिंग करने बैठा, लेकिन यार लैपटॉप भी थोड़ा ख़राब चल रहा है मेरा, तो इस वजह से अम्बाला की ओर से। और वैसे पहले जो प्लान था वो था पंचकुला होते हुए निकल जाए, बट शायद उधर का जो रोड है ना थोड़ा ख़राब है, तो इस वजह से हम जा रहे हैं अम्बाला होते हैं। तो यार आज का जो हमारा स्टे है और जहाँ हम आज जा रहे हैं, मैं ऑलरेडी वहाँ पे पहले वीडियो कर चुका हूँ, लोकेशन का नाम है भाई जीवी, मैं ऑलरेडी जा चुका हूँ, बट पहले मैंने एक्सप्लोर नहीं किया था, इस बार एक्सप्लोर भी करूँगा और नई नई चीज़ दिखाऊँगा आपको वहीं पे, जो जो होगा, जैसे कि वाटरफॉल हो गया, जलोरी पास हो गया, और एक लेक है वहाँ पे कहीं ट्रैक करके वो दिखाऊँगा।
थोड़ी थोड़ी नींद आ रही है, तो सोच रहे हैं थोड़ा ब्रेक ले ले 10 मिनट का, और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। कहाँ है बरिश्ता, खुल रहा है? तो यार ये रहा अपना आइटम, कोल्ड कॉफ़ी एंड सैंडविच पफ। तो यहाँ से पिएगी और फिर चलेगी। कॉफ़ी बड़ी हल्की सी लग रही है मुझे वैसे, पी के देखते हैं। बिना एक यार नुकसान होने वाला था, जो इसका गोप्रो लगा हुआ है ना, इसका उसका जो स्क्रू जो होता है ना, वो लगाया नहीं था, बस ऐसे ही अटका पड़ा था उस पर। और देख लो हमने करीबन 200 सवा 200 बाइक चलाई होगी, लेकिन गिरने से बच गया वो। अभी नज़र पड़ी हमारी और एकदम से देखा तो भाई मतलब हंसी भी आ रही है, और बाकी नुकसान तो यार नुकसान ही, अभी नुकसान हो जाता ना तो दिक्कत ज़्यादा होती, क्योंकि महंगा गोप्रो आता है यार, बार बार ऐसे लिया नहीं जाता 33-34 हज़ार रुपये का। तो चलो यार चलते हैं अब यहाँ से। यार हम 3:45 पर रुड़की से चले थे और अभी इतना कवर कर चुके हैं तो काफ़ी सही टाइम पे आ गया, और मेरे हिसाब से वहाँ पे जाके शायद हम एक एक्टिविटी भी कर ले या आसपास का इधर उधर घूम ले। लास्ट टाइम जब मैं गया था यार पहुँचे ही हम काफ़ी लेट थे, उसके बाद ट्री हाउस में गए, चेक इन किया, उसके बाद हम कहीं गए नहीं यार, थक जाता है बंदा। जबकि हम उस टाइम गाड़ी में थे, हम फिर भी अब बाइक पे है यार। ये जो किरतपुर से मनाली का हाईवे है, जय हनुमान, तो ये है टनल नंबर 4। यहाँ से टनल जो है ओपन है फिलहाल, और ये देखो कितनी प्यारी टनल है, वाह देख रहे हो भाई क्या ही मजा आ रहा है। वाह जी वाह, कितनी सही टनल बनाई हुई है यार। तो यार आज का ही हमारा करीबन चौथा ब्रेक है, और आशीष को पट्टी लगी थी इस वजह से ब्रेक है ना भाई। तेज लग रही है क्या है जी? भाई आपको मैं बता दूं, जब हम लद्दाख गए थे तो सेम सबके साथ यहीं पे रुके थे। ये जगह बड़ी प्यारी सी है, मतलब काफी सही लगती है देखने में। इसके भाई पूरी नदी है, और ये पूरा जो रास्ता जा रहा है जीवी जा रहा है, और सामने की ब्यूटी अलग है। इस तरफ का जो रास्ता है ना भाई, इसकी ब्यूटी अलग है, बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पे ना यार बारिश हो चुकी है, क्योंकि रोड ना थोड़ा थोड़ा गीला है, तो मुझे लग रहा है बारिश हो चुकी है। ये देखो भाई गाड़ी बचने का थोड़ा सा ही रास्ता है, और ये बस हमें तो भाई साइड दे नहीं रहा, सामने वाले को ही साइड दे रहा है बस वाला। तो यार फिलहाल ना हम है बंजार में, और ये बंजार जीवी से करीबन 15 किलोमीटर या 20 किलोमीटर पहले है, मे बी, आई एम नॉट श्योर 100%। बाकी यहाँ पे यार ट्रैफिक कितना ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि यार देखो रोड कितना छोटा है ना, एक बस आ जाए या एक गाड़ी भी आ जाए ना उधर से, तो दूसरी एकदम से पीछे से भाई 4-5 गाड़ी इकट्ठी हो जाती है। पड़ रहे हैं ऊपर से, ये देखो पैरों पे लग रहे हैं बहुत तेज तेज, कसम से यार दिमाग की दही बन गई, पैरों में ऑलरेडी यार दर्द था, अब और ज्यादा दर्द हो जाएगा यार। ये गड़बड़ हो गई, वैसे बारिश नहीं आनी चाहिए थी, बारिश ने ना सारा काम खराब कर दिया। आज तो गए भाई काम से, अब पता नहीं कल तक कपड़े सूखेंगे नहीं सूखेंगे, ये भी नहीं पता। रास्ता देखो यार कितना खतरनाक है नीचे का। बाइक के साथ ना भाई यही दिक्कत है, अपना बैग खुद ही उठाना पड़ता है, और भाई के पास देखो ऑलरेडी तीन सामान दे दिए दोनों हाथों में। भाई हमें तो बस यही वाला दे देना, आप क्या ना ले जाओ। सच में यार 12 घंटे हो गए
9 घंटे के रास्ते को 12 घंटे हो गए। और नीचे ले जाओगे क्या? यही दे देते यार। अच्छा तुम्हारा नहीं, चलो भाई कोई बात नहीं। चलो सांस चढ़ गया यार, इतना लंबा चलवा दिया भाई ने। ओहो सामने का भाई व्यू देखो कितना ही जबरदस्त लग रहा है, क्या बात है, नाइस। तो ये है अपना रूम, ये भी बड़ा प्यारा सा लग रहा है, ये देखो भाई। शाम को आग लगा दोगे? बस वाह वही वाह, हालत देखो भाई कैसी हो गई है। लो तो यार फाइनली ना जीबी पहुंच चुके हैं, क्योंकि आज का जो अपना स्टे था वो जीबी के अंदर था, और अभी जो 6 दिन तक चलेगा वो अलग अलग लोकेशन पे चलेगा, ठीक है। तो आज का जो हमारा कोटेज है वो ये है। उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ भाई, बारिश आ रही थी अभी थोड़ी देर पहले, इतनी तेज सारे भीग गए, पैंट वेंट सब भीग गई, और हालत देखो अपनी कैसी हो रही है भाई, बाइक पर सुबह से हेलमेट लगा के। तो यही था आज का, तो मैं आपको ना रूम दिखाता हूँ अपना। तो यार ये है अपना प्यारा सा रूम, और एक फ्रेम लगी हुई है, और पूरा वुड का कोटेज है, बट इस साइड में व्यू है सामने। तो इधर बालकनी भी है, इधर हम हालत बहुत टाइट है आज यार, मतलब बाइक से आए हैं ना तो थोड़ा प्रॉब्लम तो होती है। ये है भाई यहाँ की बालकनी, बाकी बालकनी से व्यू चमक रहा है ये। तो ये है कुछ ऐसा। तो भाई 100% मैं श्योर हूँ कि मनाली में भी ऐसा व्यू नहीं है। वॉशरूम दिखा देता हूँ मैं आपको, क्लीन है रूम, बहुत क्लीन है, अच्छा है, बिल्कुल साफ सुथरा है, ये देखो कितना प्यारा लग रहा है। वॉशरूम दिखा देता हूँ मैं, तो ये है वॉशरूम, ये वॉश बेसिन है, ये मिरर है, ये पोर्ट है, और ये शावर एरिया है, ठीक है। तो वॉशरूम भी काफ़ी क्लीन है, और गीजर भी लगा हुआ है, ये देखो डेकोरेशन का थोड़ा सा सामान इन्होंने रख रखा है, ठीक है। मुझे ये अच्छा लग रहा है, देखो बैकग्राउंड जो दिख रहा है ना आपको, ये काफ़ी प्यारा लग रहा है। तो चलो यार ठीक है, अब क्या है कि फ्रेश हो जाते हैं, थक रहे हैं, और कुछ खाएंगे पिएंगे, उसके बाद जो है आपको सीधा रात को मिलता है। मुझे नहीं लगता हम जा सकते हैं कहीं, बाकी देखते हैं, अगर कहीं गए तो आपको अपडेट मिल जाएगी, अदरवाइज व्लॉग को ख़त्म कर देंगे रात को। भाई फ्रेश वगैरह हो गया है, काफ़ी थक रहे थे, अब चाय और पकोड़े वगैरह मंगाए हैं, अभी आपको मैं दिखाता हूँ। और अब क्या है कि सामने के व्यू के सामने बैठ के अपना चिल मारते हैं, बैठते हैं, और घूमने का अपना कल रखेंगे, जो भी एक्टिव वगैरह करनी है, वाटरफॉल वगैरह जाना तो कल देखते हैं। तो भी स्नैक्स वगैरह खाते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं आपसे। होम स्टे के जो ये ओनर है ना यार, इतने प्यारे इंसान है, देखो इन्होंने खाने के बाद हमें 2 छोटी छोटी पेस्ट्री टाइप दिए थे, बड़ी टेस्टी है। हाँ अभी ना हमने स्नैक्स वगैरह तो खा लिया है, और अब जो है ना हम थोड़ा आराम करेंगे। तो यार काफ़ी टाइम हो गया है भाई, टाइम कितना हो गया है, करीबन 6:30 बज गया है, और अभी तो कहीं जाना नहीं है। तो कल का हमने जो प्लान बनाया है वाटरफॉल जाने का बनाया है, और इसके बाद देखते हैं जलोरी पास जाएगा है ना, तो जहाँ भी जाएगा आपको अपडेट दे देंगे। एंड इस व्लॉग को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ, और इसमें मैं आपको डिनर दिखाऊंगा हम आज क्या खाने वाले हैं बढ़िया। यार आंटी इतनी अच्छी है, कभी पास्ता दे रही है, कभी केक दे रही है, और मतलब सब कुछ चेक करा रही है, खाने का जो भी आइटम आंटी बनाती है ना बार बार चेक कराती है, मतलब कसम से कह रहा हूँ यार, बहुत अच्छी जगह मैं रुका हूँ, और बहुत ही अच्छी आंटी जी है। बाकी भाई बारिश हो रही है बाहर, ठंड भी हो रही है थोड़ी। टाइम हो गया है 10:45, और अब हम कर रहे हैं डिनर, क्योंकि यार आज ना बाइक वाइक चला के आए थे ना तो भूख नहीं थी, और आके हमने पकोड़े वगैरह खा लिया अपने, जैसा वीडियो में देखा होगा। तो अभी मैं आपको डिनर दिखाता हूँ, और इसके बाद ब्लॉग को करता हूँ ख़त्म। तो ये देखो हमने मंगाई है सिंपल रोटी, दाल मंगाई थी वो हमने वैसे ही खा ली, क्योंकि यार बहुत टेस्टी थी, और यार यहाँ का खाना बहुत टेस्टी है। और ये है गट्टे की सब्ज़ी भाई, आपको कहीं नहीं मिलेगी, आप जहाँ भी जाते हो ना होम स्टे वगैरह में,
तो शायद होम स्टे वगैरह में मिल सकती है, लेकिन वैसे आपको गट्टे की सब्जी कहीं मिलेगी नहीं। तो देखने में ना बड़ी टेम्पटिंग लग रही है, अभी खाते हैं और उसके बाद फिर भाई आराम से सोएंगे। आज तो यार पूरे दिन बारिश हुई है, घूमने फिरने का मन था बट हो नहीं पाया, तो इसलिए कल जाएंगे जीवी वाटरफॉल। ठीक है, तो चलो ठीक है यार, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।